हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बना रहे हैं फ़िश फ्राई, और लग रही है ना बहुत लजीज डिश विद दिस ग्रीन चटनी। दोस्तों ये बहुत आसान रेसिपी है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो हमने लिए है हलवा मच्छी, और आप इसे हलवा में बना सकते हैं, आप चाहे सुरमई में बना सकते हैं, पॉम्फ्रेट में बना सकते हैं, बोम्बिल मच्छी में भी ये बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी बनती है। तो मसाला इसका रेडी कर लेते हैं, फ़िश फ्राई का जो मसाला है बहुत आसान रेसिपी है ये। एक बाउल में आप सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये हमने गरम मसाला लिया है, ये ऑलमोस्ट 1.5 चम्मच गरम मसाला है, छोटी चम्मच, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम डालेंगे उसमें हल्दी, और हल्दी भी हमने 2 चम्मच डाल दी है। और फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, धनिया पाउडर आपको 2 बड़े चम्मच डालना है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम डालेंगे मीट मसाला, ये हमने जो है एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, हमारे पास अभी घर पे एवरेस्ट का अवेलेबल था। तो ये मीट मसाला आपको थोड़ा ज़्यादा डालना होगा, कम से कम 3 से 4 टीस्पून आपको तो मीट मसाला डालना होगा, उससे क्या है थोड़ा बढ़िया सा एकदम फ्लेवर आएगा मसाले में। और ये लहसुन अदरक की पेस्ट 2 चम्मच हमने डाली है, और आधा नींबू का रस जो है आपको स्क्वीज़ करके डाल लेना है। और इस तरीके से जो है ये सिंपल कुछ मसालों से ही आपका जो मसाला जो है फ़िश का रेडी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी है। नींबू के रस के साथ इसको सब चीज़ों का मिला लीजिए चम्मच की सहायता से, और थोड़ा सा पानी आपको लगेगा इसमें, ताकि आपकी एक थिक पेस्ट आपको बनानी है, आपको बहुत वाटरी सी पेस्ट नहीं बनानी है, ध्यान से देखिएगा, एकदम थिक पेस्ट आपको बनानी है ताकि फ़िश बहुत अच्छे से कोट हो सके मसाले के साथ, ठीक है दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं, ये मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए, अब ज़्यादा पानी ना डालिएगा। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको थिक पेस्ट बनानी है, और मच्छियों को लपेट लेना है बहुत बढ़िया तरीके से मसाले के साथ। आप ये देख रहे हैं अच्छे से मसाले को लपेटिए फ़िश के साथ, और बहुत अच्छे से मतलब ये जो स्टिक भी हो जाती है, क्योंकि आपका मसाला आप देख रहे हैं इस तरीके से थिक होगा ना, तो फ़िश बहुत अच्छे से स्टिक कर लेती है मसाले के साथ। तो बस इस तरीके से आप मैरिनेट करके रखें, आप चाहे तो उसे रात को मैरिनेट करके रख सकते हैं, या जब भी आपको फ़िश खाने की इच्छा हो तो आप 3 से 4 घंटे पहले इसको मैरिनेट कर लें। हमने ये रात के समय में मैरिनेट किया था दोस्तों, ओके गाइस। और नेक्स्ट मतलब हमने नेक्स्ट डे मतलब इसको फिर फ्राई किया था, तो उससे क्या होता है ओवरनाइट मैरिनेशन से थोड़ा टेस्ट जो है और एनहांस होता है, थोड़ा मतलब धस जाता है मसाला अच्छे से फ़िश के अंदर, जो बहुत यमी लगता है टेस्ट में, ओके गाइस। और अब हमने ली है इसमें इसको फ़िश फ्राई को, आप चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हैं, बट अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, तो बहुत बढ़िया 4 चांद लग जाएंगे आपकी फ़िश फ्राई में। तो हमने लिया है जो है मस्टर्ड ऑयल लिया है हमने, ओके गाइस। और मस्टर्ड ऑयल हम शैलो फ्राई करने वाले इसको, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टेस्ट जो फ़िश की डिश है ये शैलो फ्राई में क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट करती है। तो आप ये देख सकते हैं इसको अभी हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो इतनी बढ़िया मतलब फ्रेग्रेंस आ रही थी, अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं तो आप डेफिनेटली इसे आप जो है ट्राई करें, ये बहुत बढ़िया बनता है। आप इसको नॉर्मल रोटी के साथ खा सकते हैं, या नॉर्मली इस तरीके से भी आप इसको जो है खा सकते हैं। और हलवा मच्छी का जो मांस रहता है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ऑन अ सॉफ्टर साइड और बेटर रहता है कंपेयर टू पॉम्फ्रेट, मेरा यही एक्सपीरियंस है। मुझे हलवा ज़्यादा बेटर लगती है कंपेयर टू पॉम्फ्रेट, क्योंकि इसका जो मैं कहूँगी इसका जो फ्लेश है बहुत ज़्यादा ये जूसी है, और बहुत ज़्यादा बढ़िया है खाने में टेस्ट वाइज। अगर आप फ़िश पसंद करते हैं तो आप बताइएगा आपको कौन सी वाली फ़िश सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरी टॉप मोस्ट इज़ हलवा, और सेकंड नंबर में सुरमई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये दोनों फ़िशेज़ हैं जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मतलब इन्हें मतलब खाना। और ये आप देख सकते हैं एक साइड फ्राई हो गया है, 3 से 4 मिनट में आपका एक साइड का फ़िश का जो पार्ट है वो फ्राई हो जाएगा। और गैस को आपको जो है ज़्यादा हाई नहीं रखना है, तो ऑन अ मीडियम साइड ही रखना है, स्लो नहीं, मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, ठीक है। साथ साथ में आप मॉनिटर करते रहे फ़िश को, ताकि ये चिपके ना और जले ना बिल्कुल भी, ओके गाइस। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से कितनी क्रिस्प हो गई है फ़िश। तो बस इसे अभी हम निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरे भी कई पीसेस हैं जिनको हमने फ्राई करना है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है आप बहुत बढ़िया से झटपट से जो है फ़िश को आप बना सकते हैं, फ्राइड फ़िश अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं, या अगर आप अभी जैसे कि अभी तो कोई गेस्ट आने नहीं वाला, लॉकडाउन चल रहा है, बट कभी भी कोई आता है तो आप इस तरीके से बना सकती हैं एज अ स्नैक, नहीं तो आप खुद जो है इसे ग्रहण कर सकती हैं।
एंड फैमिली को मतलब खिला सकती हैं, क्योंकि ये बहुत झटपट बनता है और बहुत टेस्टी भी बनता है। ओके गाइस, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, आप इसको थोड़ा सा हिलाइए, क्योंकि फ़िश क्या रहती है ना, डेलिकेट साइड रहती है, टूटने का डर रहता है। तो आपको चाहिए क्योंकि पीस जो है होल एंड सोल, मतलब वन पीस में ही रहे, टूटे ना बिल्कुल भी। तो क्या है, सर्विंग में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है फिर वो। तो बस ये अब फ्राई बहुत बढ़िया तरीके से हो गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे। एंड यमी यमी फ़िश फ्राई इज़ रेडी। हमने इसे जो है फुलकों के साथ इंजॉय किया था, इसके साथ फुलका भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में फ़िश फ्राई के साथ। और हमने हरी चटनी बना ली थी, ये नॉर्मल हरी चटनी है, पुदीने वाली हरी चटनी है जो मैंने बनाई है फ़िश के साथ। दोस्तों मैं आपको बता भी देती हूँ कौन सी है। तो एक एक करके पतिदेव जो है अभी फ़िश को निकाल रहे हैं, और अभी वो सेकेंड लॉट इसमें डालने वाले हैं अभी फ्राई के लिए, आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं इसका मांस कितना मोटा मोटा है, तो बहुत बढ़िया लगती है ये हलवा खाने में। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं खाई है तो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक बता देती हूँ फ़िश का। आप देख सकते हैं गाइस, ये पुदीने की हरी चटनी है, साथ में कुछ पोटैटो चिप्स है, एंड द फिश फ्राई इज़ रेडी टू ईट। ज़रूर से बनाइए, इन्जॉय कीजिए, फैमिली को खिलाइए, खुद इन्जॉय कीजिए। और होटल से अच्छा खाना आप घर पे बना सकती हैं, अभी रेस्टोरेंट से नहीं मंगाना चाहती है लॉकडाउन के जैसे, तो घर पे बना के खुद एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं एकदम क्लोज़अप व्यू में आपको बता रही हूँ कितने बढ़िया तरीके से फ्राई हुई है फ़िश। ये पोटैटो चिप्स के साथ बहुत ज़्यादा स्वाद देती है हरी चटनी पुदीने की, और बहुत बहुत बढ़िया स्वाद आता है। सो गाइस, बताइएगा ज़रूर आपको आज की ये फ़िश फ्राई की रेसिपी कैसी लगी है। इस रेसिपी को ज़रूर से आप खुद ट्राई कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किया तो, बेल पे ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। एंड गाइस, मैंने अपने चैनल पे दूसरे भी कई नॉनवेज डिशेस की रिव्यू मेरे चैनल पे है, मतलब मैंने अपने चैनल पे जो है अपलोड की हुई है, आप ज़रूर से देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, एंड आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इसे ज़ोर से ट्राई करके खाइएगा, बहुत ज़्यादा यम बनी है। बाय फ्रेंड्स।